लद्दाख टैक्सी ऑपरेटर कोऑपरेटिव लिमिटेड लेह ने महकमे ट्रांसपोर्ट यूटी लद्दाख और ट्रैफिक पुलिस लद्दाख के ताउन से कौमी रोड सेफ्टी महीना मनाया और एसएसपी ट्रैफिक ने कहा कि ज्यादातर सड़क हादसा तेज रफ्तार और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से हुए हैं। उन्होंने ड्राइविंग के दौरान हिफाजती तदाबीर पर अमल करने पर जोर दिया है। सदर टैक्सी यूनियन लेह ने टैक्सी यूनियन से मुतल्लिक कई शिकायत शेयर की। DYSP ट्रैफिक लेह ने रोड सेफ्टी के विजन के बारे में बात की। आपको पता कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में इस टाइम रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है जो कि 15 जनवरी से 14 फरवरी तक है। तो इस सिलसिले में हमने लद्दाख में हमारे पास 8 यूनियंस हैं, तो हमने एक शेड्यूल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मिलकर एक शेड्यूल बनाया है कि हम हर दिन एक ही यूनियन के पास जाते हैं। अभी तक हमने बाइक यूनियन वालों से भी बात की और आज हमने जो यहाँ पे टैक्सी यूनियन का रखा था यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो मेजर जो यहाँ पे जो टैक्सीज वालों पे डिपेंडेंट है, टूरिस्ट को जितना भी ये पूरा लद्दाख में घुमाते हैं इस पर हम पे बहुत डिपेंड है। लास्ट ईयर भी अगर हम देखें तो टैक्सीज का हमें कोई इतना कोई बड़ा एक्सीडेंट दिखने को नहीं मिला। बट अगर हम ओवरऑल लद्दाख की बात करें, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का है टारगेट है 2030 तक कि हमारे एक्सीडेंट जो है 50% हो जाएं, और अगर लद्दाख में हम देखें तो लास्ट ईयर 289 जो है यहाँ पे एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें 58 डेथ हुई हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि कम से कम एक्सीडेंट्स हों, कम से कम डेथ हों, कम से कम लोग इंजर्ड हों और यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट इसी वजह से आए और यहाँ की जो इकानमी को जो है किस्म का बूस्ट मिल जाए।